आज भारत में सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहमति का एक वातावरण बना है, तो दूसरी तरफ नई स्वास्थ्य नीति उसको लागू करने पर काम चल रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों को एयर रूट से जोड़ा जा रहा है। भारत में मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर्स लग रहे हैं। भारत 5G दस्तक दे रहा है भारत में भी। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में गांवों का ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। कल्पना कर सकते हैं 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा। हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ किस प्रकार से अपना नाता जोड़ेंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में और जर्मनी में बैठे हुए आप लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे, भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है, तालियां इस बात पर बजने वाली है कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अब भारत छोटा नहीं सोचता है, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। साथियों, मैं एक और बात आपको बता दूं, जिसे जानकर पता नहीं आप बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगेगा। भारत में अब ट्रेवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है दोस्तों।